खबर जबलपुर से है, जहां 54वीं राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का समापन हुआ। राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में रेलवे एवं महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम विजेता रही। मध्य प्रदेश एमेच्योर खो खो 54वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी संस्कारधानी खो खो में रही। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के समापन में मुख्य अतिथि गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन एवं राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, विशिष्ट अतिथि सुधांशु मित्तल, अध्यक्ष भारतीय खो खो संघ अजय बिश्नोई, संयोजक शरद जैन, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, विधायक एवं पूर्व मंत्री सुनील इंदु तिवारी, सचिव संजय यादव, पंडित योगेंद्र दुबे संरक्षक, विनोद पोद्दार, उषा सेलोकर, वासुकोरी आदि एमएलबी खेल परिसर उपस्थित होकर खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करके परिचय प्राप्त किया। फाइनल पुरुष वर्ग में रेलवे ने महाराष्ट्र को 1 अंक से पराजित किया। वहीं महिला वर्ग मुकाबले में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2 अंक से पराजित कर विजय प्राप्त की। संपूर्ण प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग का एकलव्य पुरस्कार रेलवे के श्री महेश सिंधे को प्राप्त हुआ। वहीं महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महाराष्ट्र की प्रियंका इंगले को दिया गया। पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये की राशि एवं प्रमाण पत्र दिए गए। उपस्थित अतिथि जनों ने विजेता उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी मेडल प्रदान किए। देश भर से आए खिलाड़ियों, ऑफिसर, कोच, एम्पायर, जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं आयोजन को सफल बनाने वाले सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय स्तर की खो खो प्रतियोगिता न केवल आयोजन करने का मौका मिला, बल्कि प्रदेश के लोगों के लिए इतने पूरे देश के होनहार खिलाड़ियों का ये मैच देखने का अवसर मिला। मुझे बेहद खुशी है कि आज इस मैच को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि हर खो खो, कुर्सी दौड़, कबड्डी ये बड़े ही बड़ी ज्ञान होता है। अभी जितना आनंद विष्णु जी आप चलिए महिलाएं बड़े प्यार से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और हमारी जो बेटियां बैठी हैं उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि बच्ची पूरे देश की, प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, कि जैसे 2020 होता है ऐसे ही आप लोगों का गेम भी दिल्ली में, मुंबई में आयोजित होने वाला है। बड़े बड़े लोग ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। आप उस मुकाम पर, जिस उद्देश्य को लेकर आप इस लाइन में आए हैं, गेम्स के बाद आपकी अनेक आगे की लाइन खुलेगी। आप गेम्स में अच्छी बात ये कि जबलपुर में एक राष्ट्रीय स्तर खेल हुआ। मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि ये राजनीति से हट के खेल हो रहा है, किस तरह से देखते हैं इस गेम को पूरे आप? निश्चित तौर पर खेल का मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं और संस्कार धानी जबलपुर खेल धानी के रूप में पूरे राजस्थान में जानी जाती है। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व मंत्री विधायक अनिल विष्णोई जी को, जिनने खेल की और सबको साथ भी दिया। और आज निश्चित तौर पर एक चौबंदी जो खो खो प्रतियोगिता हुई है, इससे वापस एक सम्मान संस्कार धानी जबलपुर का लौटा है, हमारे लिए गौरव का। धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ बिश्नोई जी को, और हम सफलता में काम किया। और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सुधांशु मित्तल जी हैं, हमारे जो ऑल इंडिया खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि संस्कारधारी जबलपुर को मौका दिया और संस्कारधारी ने नाम के अनुरूप इस सफल आयोजन को आज इस फाइनल मैच के बाद कह सकते हैं कि सफलता के साथ जो हमारा एक इतिहास रहा है, गौरवमय और गरिमामय तरीके से। जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का खेल हुआ है, किस तरह से आगे सरकार इस खेल को प्रमोट करेगी, क्या देखते हैं भविष्य में? खो खो प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में 2 बार खो खो का उल्लेख कर चुके हैं। खो खो को प्रमोट करने के लिए केंद्र की सरकार खेल के लिए एसोसिएशन खो खो को 9 करोड़ रुपये हर साल दे रही है। ये जमीन से जुड़े खेल है, इसके प्रोत्साहन में सरकार जुटी हुई है। आज हमको खुशी है कि केंद्रीय समिति ने ये आयोजन करने का अवसर हमको जबलपुर में दिया। हमने जबलपुर में इसका आयोजन किया और जबलपुर में आयोजन राजनीति से अलग हटकर हुआ। तमाम हमारे जितने भी कांग्रेस या बीजेपी के या अन्य वर्ग के लोग थे, उन सब ने मिलकर इस खेल के आयोजन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाया। लोगों ने इस खेल का आनंद लिया, मीडिया ने उसको सही तरीके से प्रचार किया। सभी को साधुवाद और धन्यवाद। भविष्य क्या है देखते हैं? देखिए, भविष्य में ये देखते हैं कि आगे ऐसे खेल के आयोजन और भी होंगे जो हम सब मिलकर करेंगे। जब जिसको अवसर मिलेगा वो आयोजन करेगा और बाकी सब उसका सहयोग करेंगे।
थैंक यू। सर मध्य प्रदेश में लगातार एक खो खो का खेल है, तो दे रहे हैं। अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में दो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। गेम से कोई संबंध नहीं है, राजनीति में ही प्रतिस्पर्धा होती है, गेम से प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा के बाद एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है। जैसे एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, लेकिन दोनों में मित्रता कायम रहती है। दोनों को एक दूसरे के दिल से नहीं अलग होना चाहिए। जहाँ तक खो-खो की बात है, तो खो-खो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति ने बचपन में ये गेम खेला है, मैंने ही बचपन में खेला है। और ये गेम खास करके महिलाओं का बड़ा प्रिय गेम होता है। आज खो-खो को यहाँ देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इसके लिए मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद लोगों को एक अच्छा आयोजन। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस समय पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ है। ओबीसी आरक्षण लेकर ही चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के विरोध में कोर्ट में गई, इसका पाप जो कांग्रेस ने किया है वो उसको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव मतलब नहीं होगा। सर आपके विभाग की, मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग में एक भी आरटीओ नहीं है, एआरटीओ नहीं है, सभी जो अमला है जो वो या तो पर्याप्त अमला है, अमले की आवश्यकता नहीं है, अच्छा काम चल रहा है। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।